Hi friends, welcome to Computer Organization and Architecture lecture from Easy Engineering Classes. आज के लेक्चर से हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विच इज इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को कनेक्ट करना है. तो आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए या फिर क्या क्या कॉमन चीजें हैं जो सब कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं और हर एक कंपोनेंट की क्या डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाए कि हर कंपोनेंट को किस किस चीज का कनेक्शन अवेलेबल करना जरूरी है. ओके, सो एज वी प्रोसीड थ्रू दिस लेक्चर यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड बाय द एंड यू विल नो हाउ विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जैसे कि मेमोरी, आईओ मॉड्यूल्स और प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड होते हैं और क्या सिग्नल्स या बसेस या लाइंस कनेक्टेड होती हैं इन तीनों मॉड्यूल से एक डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहले इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब क्या है ये जान लेते हैं क्योंकि अगर यही नहीं समझ आएगा तो नहीं पता चल पाएगा कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं. सो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग वेरियस मॉड्यूल्स. ठीक है, सो जब मैं कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मैं मल्टीपल पाथ्स डिजाइन करती हूँ और उन सब डिफरेंट पार्ट्स को जब मैं कलेक्टिवली रेफर करती हूँ तो उसे मैं नाम दे देती हूँ इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये पार्ट्स क्या है, ये बसेस या लाइंस क्या है, ये सब आज के लेक्चर में और अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. सो डोंट वरी इफ यू मिस ऑन एनीथिंग राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट ऑल कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर बाय द एंड ऑफ फ्यू लेक्चर्स. ठीक है, सो लिख लेते हैं. ओके, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर कैन बी रेफर्ड टू एज द कलेक्शन ऑफ पाथ्स दैट कनेक्ट या कनेक्टिंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स या डिफरेंट बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. वेरियस कॉम्पोनेंट्स, यहाँ पे वेरियस कॉम्पोनेंट्स, ये जो तीन मेन कॉम्पोनेंट्स या बेसिक कॉम्पोनेंट्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे इस लेक्चर सीरीज के ऑफ द सिस्टम विच एंड दिस कॉम्पोनेंट्स आर द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स. ठीक है, अब इसके बाद पहले हम ये जानते हैं एक स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले या इन सब कॉम्पोनेंट्स को कनेक्ट करने से पहले ये जानते हैं कि ये तीनों मॉड्यूल्स के मेजर मेजर फंक्शंस क्या होते हैं जो अब तक हमने देखे हैं और इन मेजर कॉम्पोनेंट्स के ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे फंक्शंस को हम कैसे इंटरकनेक्शन करते टाइम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मेमोरी पे. मेमोरी का सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फीचर हम क्या लिखेंगे या क्या फीचर होता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ एन वर्ड्स हैविंग इक्वल लेंथ एंड दीज आर नोन एज लोकेशंस. सो शॉर्ट में लिखते हैं सब कुछ, एन वर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, these memory locations range from 0 to n minus 1 and these words are known as locations. ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है each word के एड्रेस को जो असाइन किया जाता है. ओके, सो व्हेन आई से अ वर्ड विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी व्हाट आई एक्चुअली मीन इज each location within the memory. ठीक है, सो जब भी हर डिफरेंट कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर सिस्टम में वर्ड का अलग मीनिंग हो सकता है. कुछ सिस्टम्स में वन वर्ड कैन बी इक्वल टू 16 बिट्स और बाकी सिस्टम्स में वन वर्ड कैन बी इक्वल टू 32 बिट्स. तो यहां पे जब भी हम वर्ड बोलेंगे उसका मतलब होगा कि एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जो अपने में एक, जिसका अपने में एक यूनिक एड्रेस है या फिर एक यूनिक आईडी है. ठीक है, तो जब मैं मेमोरी को एक कलेक्शन ऑफ लोकेशंस बताती हूँ, हर लोकेशन को मैं एक वर्ड कह सकती हूँ.
ठीक है. सो आई कैन ऑल्सो से अ मेमरी इज अ कलेक्शन ऑफ एन वर्ड्स. अब उस सिस्टम में मेमोरी की हर लोकेशन का क्या साइज है, क्या लेंथ है, वो सिस्टम आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है. लेकिन चाहे वो जिस भी साइज का हो, वन वर्ड चाहे वो 32 बिट्स हो, 16 बिट्स हो या 8 बिट्स भी हो, इट इज रेफर्ड टू एज वन सिंगल एड्रेसेबल, यूनिकली एड्रेसेबल लोकेशन. ठीक है. सो आप कंफ्यूज मत करना कि वन वर्ड कई जगह हम 2 बाइट्स को ही रेफर करते हैं, दैट इज 16 बिट्स, और ये एक रूल है. ऐसा नहीं है. हर लोकेशन को वर्ड कहा जाता है. ठीक है. आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में आर्किटेक्चर पढ़ते वक्त, सो ईच वर्ड हैज अ यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस. Each word has a unique address, और ये address होता है 0 से n minus 1 तक, जो कि मैंने आपको अभी बताया. उसके बाद हम आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग. क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं मेमरी के थ्रू? आइदर वी कैन रीड अ वर्ड और वी कैन राइट अ वर्ड. अगेन अ वर्ड मतलब आप एक बार में एक कंप्लीट मेमोरी लोकेशन को ही एक्सेस करोगे, और चाहे एक लोकेशन का ही कंटेंट या तो रीड करोगे या फिर एक लोकेशन में कंटेंट राइट करोगे. ऐसा नहीं करते आप जनरली कि मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं जो हाफ वर्ड रीड और राइट कर रहे हैं, बट जब भी हम बात करते हैं जनरल टर्म्स में, सो वी आर रीडिंग और राइटिंग वन वर्ड इन अ मेमोरी और अ वर्ड इन अ मेमोरी, वर्ड ऑफ डेटा. रीड और राइट अ वर्ड ऑफ डेटा. ठीक है. सो जो भी वर्ड जैसे भी डिफाइंड है उस कंप्यूटर सिस्टम में, उतनी बिट्स ऑफ डेटा हम रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं एक बार में मेमोरी से. ये बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड करती है हमें मेमोरी. इसके अलावा क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो हम ये सारे पॉइंट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बनाए, जब हम सारे कंपोनेंट्स को डिजाइन करने लगे, तो हमें पता हो कि क्या क्या सिग्नल्स या क्या क्या लाइन्स या पाथ्स हमें मेमोरी से लिंक करने हैं या क्या क्या आउटपुट्स हमें प्रोवाइड करने हैं, ताकि ये सारी फीचर्स हम एक्चुअली फिजिकली इम्प्लीमेंट कर सके. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द मेमोरी, या तो रीड या तो राइट. सो द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज इंडिकेटेड बाय अ रीड, इंडिकेटेड बाय अ रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल. रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल. ठीक है. इसके अलावा फाइनल पॉइंट यह आता है कि कंटेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द लोकेशन एड्रेस. ठीक है. तो जब भी हम डेटा को एक्सेस करेंगे मेमोरी में से, तो हम एक ही तरीका है मेमोरी को रेफर करने का, या उससे कंटेंट्स रीड करने का, या उसमें कंटेंट्स या डेटा राइट करने का, और वो है उसके एड्रेस के थ्रू. सो कंटेंट्स विद इन द मेमोरी आर रेफर्ड और एक्सेस्ड through their addresses. Okay, और ये numerical addresses होते हैं. So ये major points मैंने आपको यहाँ पे बताए. N words होते हैं memory में. N words each has a unique address. उसके अलावा या तो हम read operation या write operation perform कर सकते हैं, और उसके लिए read और write control signal होते हैं, और The contents are referred through the address. ठीक है. अब इसके लिए, इसके बाद हम input output module की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम साथ साथ design करते चलते हैं कि हमारा actually जो structure बनेगा वो कैसा बनता जाएगा. जैसे कि हमने अभी देखा, अगर मैं यहाँ पे एक module बनाऊँ से memory, मतलब यहाँ पे इस diagram को memory की तरह denote करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं n लोकेशंस बनाऊंगी या n वर्ड्स बनाऊंगी विच आर प्रेजेंट इन द मेमोरी एंड सो ऑन टिल दिस
starting from 0 going till n minus 1. You can also number it from 0 at the bottom to n minus 1 at the top. ठीक है, अब इसके ऑपरेशंस लिखते हैं या फिर इसके कनेक्शंस लिखते हैं, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, हमने देखा रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स थे. सो यहाँ पे रीड ऑपरेशन मतलब रीड कंट्रोल सिग्नल आएगा, राइट कंट्रोल सिग्नल आएगा विच विल बी एन इनपुट टू द मेमोरी. तो अगर मेमोरी में सिग्नल रीड का एक्टिवेटेड है तो हम एड्रेस सप्लाई करेंगे मेमोरी में और फिर आउटपुट होगा डेटा. ठीक है, ऐसे ही अभी यहाँ पे देखेंगे, अगर रीड सिग्नल एक्टिवेटेड है तो उसके लिए हमें क्या सप्लाई करना पड़ेगा, एड्रेस सप्लाई करना पड़ेगा. तो ये है एड्रेस लाइंस. एड्रेस लाइंस मतलब वो सर्किटरी जिसपे हम एड्रेस डालेंगे और मेमोरी को बताएंगे कि इस एड्रेस से डेटा को रीड करो व्हेन रीड सिग्नल इज एक्टिवेटेड. जब राइट एक्टिवेटेड है तो इस एड्रेस पे डेटा आएगा या नया डेटा लिखा जाएगा. और कई बार जब हमें राइट करना है तो डेफिनेटली हमें डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा एड्रेस के साथ साथ. तो ये हो गई डेटा लाइंस. तो मेमोरी में क्या क्या कनेक्शंस हो गए, रीड राइट एड्रेस डेटा, ये सारे इनपुट है और आउटपुट तो हमेशा डेटा रहेगा. ठीक है, आउटपुट कभी भी एड्रेस नहीं हो सकता या कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं हो सकता, मेमोरी हमेशा आउटपुट देगी डेटा को. ठीक है, तो ये एक मेमोरी का डिजाइन फाइनल हो गया कि हमें अगर मेमोरी को बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ कंपोनेंट्स के साथ लिंक करना है तो ये लीस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं या यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी. अब आते हैं और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होल्ड करते हैं. सी, अगर आप फंक्शनली देखो तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और मेमोरी में ज्यादा फर्क नहीं है. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में भी हम एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं जो कि बताते हैं हमें कि कौन सी डिवाइस को हमें रेफर करना है. एड्रेस हो गया, फिर उसके बाद डेटा आउटपुट कर सकते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस हमें डेटा देती हैं, आउटपुट डिवाइसेस पे डेटा जाता है. कई बार प्रोसेसर से या मेमोरी से भी डेटा आता है टुवर्ड्स द इनपुट मॉड्यूल, यानी एज एन इनपुट टू दीज आईओ मॉड्यूल्स. ठीक है, सो ओवरऑल अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे भी दो बेसिक ऑपरेशंस यही रहते हैं, रीड एंड राइट. सो जैसे कि हमने पिछली बार रीड एंड राइट सिग्नल्स या कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करे थे, यहाँ पे भी रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स हम प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो बेसिक ऑपरेशंस आर अगेन रीड एंड राइट. उसके बाद एक सिंगल आईओ मॉड्यूल मल्टीपल डिवाइस को हैंडल कर सकता है. ठीक है, अ सिंगल, ये एक फीचर है जो कि आपको ध्यान रखना है. अ सिंगल आईओ मॉड्यूल इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग और इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग मल्टीपल IO devices or and this is possible using multiple ports. ठीक है, controlling multiple IO devices. ठीक है, इसके अलावा जो last point हमें consider करने की जरूरत है वो कि input output devices या input output modules प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल्स भेजते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इंटरप्ट हमने पढ़ लिए हैं तो आपको ये पॉइंट स्किप नहीं करना चाहिए, ये खुद से ध्यान रखना चाहिए. सो दीज मॉड्यूल्स कैन सेंड और दे कैन रेज इंटरप्ट या कैन सेंड इंटरप्ट्स टू द सीपीयू. सो यहाँ के मेन पॉइंट्स मैं फिर से आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ. इंटरप्ट हो गया एक पॉइंट, मल्टीपल आईओ डिवाइसेस हो गया और बेसिक ऑपरेशंस रीड एंड राइट हो गया. सो लेट्स कम एंड ड्रॉ आईओ मॉड्यूल्स. लेट्स ड्रॉ आईओ मॉड्यूल्स. सो ठीक है, इसके बाद ये अगर हमारे
इसे मैं डेजिग्नेट करूं आईओ मॉड्यूल, एक सिंगल आईओ मॉड्यूल से, तो लेट्स सी कि क्या क्या कनेक्शंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने जरूरी हैं. सो इस केस में क्या क्या कनेक्शंस होंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एम पोर्ट्स होंगे या एनी नंबर एक्स नंबर ऑफ पोर्ट्स या सर्टन नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे ताकि कनेक्शंस हम इस्टेब्लिश कर पाए डिवाइसेस के साथ. उसके अलावा जैसे हमने देखा रीड इनपुट कंट्रोल सिग्नल होगा, राइट कंट्रोल सिग्नल होगा, ठीक है. इसके बाद अगर हमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या एक पर्टिकुलर डिवाइस सेलेक्ट करनी है जो इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्टेड है, तो हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, हमें एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, एड्रेस दैट सेलेक्ट्स वन ऑफ द पोर्ट्स, ठीक है. उसके अलावा हमें इनपुट डेटा, इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. इंटरनल डेटा इज कमिंग फ्रॉम द प्रोसेसर, एक्सटर्नल डेटा इज कमिंग फ्रॉम द मॉड्यूल एंड गोइंग टू द प्रोसेसर. सी यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड विद दीज एरोज. सी अगर मैं यहां पे लिखूं इंटरनल डेटा मतलब जो सीपीयू की तरफ से आ रहा है या विद इन द सिस्टम आ रहा है, ठीक है. ये डेटा वो डेटा हो सकता है जिसे हमें डिस्प्ले करना है मॉड्यूल की मदद से आउटपुट डिवाइस पे. और एक्सटर्नल डेटा यानी जो आउटपुट डिवाइस ने या फिर जो यूजर ने जनरेट किया है और ये जाएगा विद इन द सिस्टम, दिस गोज टूवर्ड्स द सीपीयू. तो इस एरो से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ कनेक्शन दैट आई एम डेजिग्नेटिंग, ठीक है. इट इज जस्ट अ कनेक्शन, इसका यह मतलब नहीं है एक्सटर्नल डेटा भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू बाहर जा रहा है. नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. अब इस आउटपुट क्या होगा या आउटपुट में क्या होगा, डेफिनेटली इंटरनल डेटा है तो सीपीयू से डेटा मॉड्यूल की तरफ आया तो वो बाहर यूजर तक जाएगा, डिस्प्ले होगा. तो इंटरनल डेटा का कनेक्शन यहाँ पे हमें चाहिए होगा या एक पाथवे चाहिए होगा जिसे हम आगे जाके पाथ लाइन्स या बसेस भी कहेंगे. ये एक कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद एक्सटर्नल डेटा को इनपुट मतलब एक्सटर्नल डेटा को इनपुट मॉड्यूल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू अगर सीपीयू तक जाना है तो यहां पे भी यूजर इस लाइन्स के थ्रू या इस स्ट्रक्चर के थ्रू या कनेक्टिविटी के थ्रू भेजेगा. और रिमेनिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट था इंटरप्ट सिग्नल्स का, वो अगेन जनरेट होंगे फ्रॉम आउटसाइड डिवाइसेस या यूजर. यूजर कोई कमांड देता है या डिवाइस कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाई तो इंटरप्ट सिग्नल्स इन लाइंस पे आएंगे. सो आईओ मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं एज कम्पेयर टू मेमोरी. अब इसके बाद लास्ट देखते हैं हमारा कॉम्पोनेंट जो कि है प्रोसेसर. प्रोसेसर में क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, प्रोसेसर में बेसिक जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो डेफिनेटली है रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा. सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. सो व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन, रीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ये तो बेसिक फंक्शन है ही प्रोसेसर का, ओके. उसके अलावा इट राइट्स डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी जो नए रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो उन्हें राइट डाउन करेगा, राइट रिजल्ट्स, या वो या तो प्रोसेसर मेमोरी में राइट कर सकता है या डिस्प्ले कर सकता है थ्रू द आईओ मॉड्यूल टू द आउटपुट डिवाइस. राइट द रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग, कुछ भी कॉम्प्यूटेशन करने के बाद उस डेटा को राइट डाउन करना. उसके बाद क्या प्रोसेसर काम परफॉर्म कर सकता है, इट कैन यूज वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स टू कंट्रोल द ऑपरेशंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड इन द सिस्टम या थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है. सो जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स टू कंट्रोल वेरियस ऑपरेशंस. और लास्ट आईओ मॉड्यूल जो इंटरप्ट्स जनरेट करता है वो रिसीव करेगा प्रोसेसर और फिर उन्हें हैंडल करेगा. सो अकॉर्डिंगली
क्या क्या इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर या फिर क्या क्या कनेक्शन होंगे टू द प्रोसेसर, लेट्स सी. ऑलराइट, सो दिस इज आवर सीपीयू. इनपुट क्या क्या होगा? इनपुट इस केस में सबसे पहले तो होंगे इंटरप्ट. वाई? बिकॉज इंटरप्ट्स आर कमिंग इनटू द सीपीयू फ्रॉम द आईओ मॉड्यूल. ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल्स. सो लेट्स राइट देम डाउन. आई होप इट्स विजिबल टू यू. इंटरप्ट सिग्नल. उसके बाद सीपीयू में इंस्ट्रक्शंस और डेटा आएंगे. सीपीयू इंस्ट्रक्शंस और डेटा को रीड करके कुछ कॉम्प्यूटेशंस परफॉर्म करता है, या फिर जैसे डेटा कहीं राइट करना है, मेमोरी में राइट करना है तो प्रोसेस्ड डेटा को राइट करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स को राइट करेगा, एड्रेसेस को राइट कर सकता है वो, एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू हैंडल द वर्किंग ऑफ द एंटायर सिस्टम. एड्रेसेस दैट कैन बी रिटर्न, या फिर एड्रेस सप्लाई करता है मेमोरी पे, मेमोरी लाइन्स पे या आईओ मॉड्यूल लाइन्स पे, ये डिटरमाइन या फिर ये बताने के लिए इन मॉड्यूल्स को कि कहाँ से डेटा को रीड या राइट करना है. कंट्रोल सिग्नल जैसे रीड और राइट को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन और डेटा रीड करता है प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए. सो ये थे बेसिक मॉड्यूल्स या फिर बेसिक कनेक्शंस that need to be made while we are aiming at the connection of the entire computer system. ये सारे input और outputs तो चाहिए ही चाहिए. अगर सारे modules की processing, मतलब सारे components की processing हमें ठीक से करनी है, basic connections required in this system. So you can use this diagram to understand and remember what all is required and how the bus structure would actually work. इस डायग्राम को हम आगे भी यूज करेंगे जब हम बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को पढ़ने के बाद एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या क्या सपोर्ट होने चाहिए एक सिस्टम के थ्रू. टाइप्स ऑफ कनेक्शंस दैट मस्ट बी सपोर्टेड, ओके, या फिर दैट आर रिक्वायर्ड, बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे. सबसे पहले हमें प्रोसेसर टू मेमोरी कनेक्शन चाहिए. सो सीपीयू से मेमोरी तक ये कनेक्शन क्यों चाहिए? ताकि इंस्ट्रक्शंस रीड कर सके, डेटा रीड कर सके मेमोरी से प्रोसेसर. ठीक है, अब इसके अलावा मेमोरी टू सीपीयू चाहिए, मतलब मेमोरी प्रोवाइड करेगी डेटा या इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को, या फिर अगर सीपीयू को मेमोरी में राइट करना है डेटा तो फर्स्ट कनेक्शन यूज करना है डेटा, तो मेमोरी प्रोवाइड करेगी डेटा सीपीयू को, तो ऐसे ये कनेक्शन चाहिए. सिमिलरली इनपुट आउटपुट डिवाइस का कनेक्शन होना चाहिए प्रोसेसर तक या फिर सीपीयू तक, और वाइसी वर्सा कनेक्शन भी होना चाहिए फ्रॉम द प्रोसेसर टू द आईओ. ठीक है, अब इनपुट आउटपुट का कनेक्शन प्रोसेसर तक क्यों चाहिए? टू रीड द डेटा फ्रॉम आईओ डिवाइस थ्रू आईओ मॉड्यूल. एंड ऐसे ही प्रोसेसर टू आईओ क्यों चाहिए? टू सेंड द डेटा टू द आईओ डिवाइस. सिमिलरली आईओ टू मेमोरी, और लास्टली मेमोरी टू input output. So I'm leaving you with a set of connections that must be required for connecting all these three basic components as well as keeping these connections in mind. अब आपको एक basic overview मैंने दे दिया कि ये connections, input output connections हर module के साथ required होते हैं. अब आपको इन सबको use करके सब connect करना है इन तीनों components को. तो कैसे होगा हम next class में जानेंगे. तब तक के लिए मैं यहाँ पे एक short में लिख देती हूँ कि ये basic connections भी क्यों support किए जाने चाहिए.
सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डिफरेंट कनेक्शंस क्यों सपोर्ट किए जाने चाहिए. लास्ट दो ऑप्शंस में मैंने एक्सचेंज ऑफ डेटा विदाउट गोइंग थ्रू द सीपीयू लिखा है. इसे हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए भी कहते हैं. तो ये इसके बारे में भी आप आगे के लेक्चर्स में जानेंगे. अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ. अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आए हो सो प्लीज लाइक आवर वीडियो. हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज योर कमेंट्स, योर फीडबैक एंड योर लाइक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड. गुड लक.